नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नजर में, ये किताब अब बाजार में आ गई है, आप पढ़ भी सकते हैं। इस किताब के लेखक जो है उदयकांत मिश्र, वो हमारे साथ बैठे हैं। नीतीश कुमार को लोग कई तरीके से जानते हैं, उनको पॉलिटिशियंस जो राजनीतिक नेता हैं वो अलग ढंग से पहचानते हैं, दोस्त उनको अलग ढंग से पहचानते हैं, पत्रकार उनको अलग ढंग से पहचानते हैं, तो सबका अलग अलग शेड है। अब दोस्त हैं उदयकांत जी पिछले 50 वर्षों से मुख्यमंत्री के, तो निश्चित तौर पर इनको चूंकि राजनीति से बहुत ज़्यादा संबंध रहा नहीं है, तो बहुत करीबी रिश्ता रहा है आप लोगों का, सामाजिक तौर पर कहें मित्रता मित्रवत जो होता है, व्यक्तिगत व्यक्तिगत और मित्रवत, तो बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा है एक पत्रकार होने के नाते क्योंकि हम लोगों से जो बातचीत होती है उसका एक अलग दायरा है। तो उदयकांत जी ये बताइए कि हम ये आपसे जानना चाहते हैं, आप नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं, बेहद खास मित्रों में एक हैं, कब आपकी जान पहचान हुई और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, जरा ये दर्शकों को बताइए। अच्छा, ये बहुत पुरानी बात है, तारीख मुझे याद है 2 मई 1969 एक राज्यव्यापी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का एक उनकी सभा हुई और हड़ताल हुई, तो उसमें मैं भागलपुर में पढ़ता था और पटना आया था गिरफ्तार होने के लिए, तो उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई, मेरी डायरी में लिखा, वो डायरी मेरे पास है, उस दिन की डायरी मेरे पास है, उसमें यह लिखा हुआ है कि आज मैं पटना गिरफ्तार होने के लिए आया, बांकीपुर जेल के दरवाजे पर खड़े खड़े दो नए मित्र मिले, कौशल किशोर और नीतीश कुमार, ये दोनों बीसी भी लिखा हुआ है मेरे पास, डायरी है अभी, आप चाहें तो चले घर चले दिखा देते आपको, या उसका फोटो भी कहीं दिखा देंगे, ये दोनों बीसी पटना के छात्र हैं, वो उतना लिखा हुआ पहले पर्चे पहली मुलाकात के बारे में, वो मेरी पहली मुलाकात हुई। पढ़ाई आपने साथ नहीं की है, ये आंदोलन के दौरान आपको बोला, बिना बुरा माने सुन लीजिएगा, वो पढ़ने वाले लोगों में थे नहीं, इंजीनियरिंग पढ़ने वाले लोगों में थे नहीं, वो उनका जो वक्त बीता था वो सोशल इंजीनियरिंग पढ़ने में बीता था, क्योंकि मेरा अपना ख्याल है, चूंकि मैं भी इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग पढ़ाई की है मैंने, कि इसमें बहुत बुद्धिमान होने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप पिल के पढ़ते रहेंगे तो खूब अच्छे नंबरों से पास हो, जैसे मैं पास हो गया, लेकिन सिर्फ इतना काफी है कि अगर आपको बेसिक ज्ञान हो तो आप इंजीनियरिंग परीक्षा पास कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और नीतीश कुमार जी का पढ़ने का अंदाजा बिल्कुल अलग था, मैं देखता था, चूंकि होता ये था कि मेरी परीक्षाएं पहले खत्म हो जाती थी और मैं पटना चला आता था इन लोगों के पास, कौशल जी नीतीश के पास, मैं इनसे एक साल सीनियर था, तो और इनका चलता रहता तैयारी, कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे टाइप होता रहता था, आज कॉफी हाउस फलाना ठिकाना, इसमें सब टाइम ही होता था तो नीतीश को मैं देखता था, वो बिस्तर पर लेट जाते थे यूं हाथ पीछे रख के आराम से, और कहते थे अच्छा तुम लोग पढ़ो कुछ, जो पढ़ रहे हो जोर से पढ़ो, जरा हमको सुनाते चलो, हाँ। और वो सुन के ही उनको इतनी याद रहती चीजें कि वो पास हो जाते थे अच्छे नंबरों से, कभी लिख के कागज पेंसिल लेके उनको इंजीनियरिंग पढ़ते मैंने नहीं देखा, हमेशा उनके पढ़ने का तरीका ही बिल्कुल अलग रहा, जहीन है, पैदाशी जहीन आदमी है, तो इसलिए वो मैंने महसूस किया कि ये आदमी इसमें बहुत दम है, काफी ताकत है, और ये कुछ भी करते, पत्रकार बन जाते, लेखक कवि बन जाते, इंजीनियर बन जाते, व्यवसायी बन जाते, जहां रहते ये शीर्ष पर पहुंचते जरूर, ये पक्की बात, इतनी मेधा और इतना पढ़ने का मादा, पढ़ के याद रखने का मादा, उसको समझने का मादा और समझाने का मादा, मैंने किसी उस जनरेशन की पीढ़ी में। अच्छा, तो ये राजनीति में इनकी रुचि रही पहले से ही, जैसा कि आप बता रहे हैं इंजीनियरिंग पढ़ाई के समय से ही, तो आप जब मित्र बने तो आपको लगा क्या इस व्यक्ति में कुछ है, आगे कुछ बन सकता है, क्योंकि एक पत्रकार को इन्होंने कहा था अपने स्ट्रगल के टाइम में कि मैं एक दिन बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा, आपको लगा क्या? जिस पत्रकार की आप बात कहते हैं, अगर मेरा ख्याल सही है तो सुरेंद्र किशोर जी की बात आप कह रहे हैं, सुरेंद्र किशोर जी मेरे बहुत अच्छे मित्र बन गए पिछले एक दो वर्षों में, तो उन्होंने कहा इस बात को बहुत हाइप दे दी गई है, ये जो बात उन्होंने कही थी, दरअसल उसका संदर्भ बहुत लंबा चौड़ा था, सुरेंद्र किशोर जी ने कहा कि उस वक्त वो चर्चा कर रहे थे कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री हैं और कोशिश करके भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, और उसके कई कारण होंगे, उसके बारे में अभी मैं चर्चा आपसे करना मुनासिब नहीं समझता हूँ, उसी दौर में नीतीश ने कहा था कि मैं अगर मुख्यमंत्री बनूंगा तो अच्छा काम करके दिखाऊंगा, हाँ अगर बनूंगा, उसमें कहते मैं तो मेरे ख्याल से शंकरशरण ठाकुर जी ने अपनी किताब में इसको थोड़ा ड्रामेटाइज कर दिया, लेकिन हकीकत यही है कि नीतीश ने सिर्फ यही कहा था अगर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो बिहार को मैं अच्छा करूँ, बाद में सुरेंद्र किशोर इसकी तस्दीक की, ये क्लैरिफाइड किया, सही कहा था उन्होंने।
वो याद भी किसी को याद रहती है आज की तारीख में 1977 या 75 में कोई बात कही होगी किसको याद रहेगी जी। सब कोई बोलता ही है कि मैं ये बनूंगा ऐसा, मतलब देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, नीतीश ने कभी कम से कम हम लोगों के सामने ये नहीं कहा मैं ये बनूंगा या मैं ये, उनकी उनकी कोई कभी जिसको हम कहते हैं अभिलाषा आकांक्षा ऐसी रही हो ऐसा कभी उन्होंने हम लोगों के आगे नहीं कहा, उन्होंने ये जरूर कहा। ये बात सही है कि उन्होंने जो बोलते हैं कि हमारी कोई कभी इच्छा नहीं रही, जैसे कि बार बार कहा जाता है ना कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं ये, और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की वजह से ही वो एनडीए छोड़ के उधर चले गए क्योंकि उधर वैकेंसी थी, तो इसमें सच्चाई है कहने का मतलब कि वो अपनी इच्छा नहीं रखते हैं कुछ। आप तो ज्यादा समय से जानते हैं। देखिए फिर राजनीति में उनकी क्या इच्छा है उसके बारे में मेरी जानकारी बिल्कुल नहीं है, लेकिन सामान्यतः कभी मैंने उनके कोई अपने लाइफ के लिए कोई एम्बिशन या कुछ छोटी छोटी चीजों के लिए उनको कभी देखा नहीं, चिंता करते हैं घर खरीद लें, घर बनवा लें, गाड़ी खरीद लें, कपड़े नहीं, ऐसा कभी मैंने उनको किसी चीज से लिप्त होते देखा ही नहीं। कोई आकांक्षा उनकी रही हो वो कभी हम लोगों के आगे लगी नहीं। एक ही आकांक्षा उन्होंने एक बार कही जरूर कि मेरा लड़का ठीक से पढ़ ले और किसी इसमें हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा, और कभी उन्होंने, और हाँ मेरे भैया ठीक से सेटल हो जाए, भाभी भैया भाभी ठीक से रहे, अपने परिवार को छोड़ करके अपने बारे में मैंने कभी आज तक 52-53 वर्षों में मुझे ये नहीं सुना कि मुझे ये चाहिए, कभी नहीं सुना मैंने। और एक बार मैं अरुण और कौशल थे, अरुण जी तो राजनीतिक बात करते हैं उनसे, तो अरुण जी ने पूछा था उनसे कि आपका मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के बारे में क्या विचार है, तो उन्होंने जो जवाब दिया था करीब करीब मुझे याद है, शब्द याद नहीं अक्षर से, लेकिन मुझे उसकी ध्वनि याद है। कहा था उन्होंने कि देखिए मैंने केंद्र सरकार में बहुत सारी देखी सरकारें जो मिली जुली सरकार बनी थी, गुजराल साहब का नाम लिया, देवेगौड़ा साहब का नाम लिया, चंद्रशेखर जी का नाम लिया, वीपी सिंह का नाम लिया, कई लोगों के नाम उन्होंने कहा, उनका क्या हश्र हुआ, दूसरों की बैसाखी पर खड़े होकर मैं प्रधानमंत्री बनूं ऐसा मैं सोच ही नहीं सकता। मेरी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, छोटी पार्टी है, तो मेरी अगर ताकत हो तो मैं बिहार की सेवा करता रहूं किसी तरह से। मुख्यमंत्री बनना तो एक समझ लीजिए समय ने उछाल के उनको वहां भेज दिया, आप जानते हो 2020 में भी उसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी का टेलीफोन आया कि नीतीश जी आपको मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा, ऐसा करके कहा उन्होंने, और ये मेरा अनुरोध है वगैरह वगैरह जो भी कहा हुआ उनके उनकी आवाज तो सुनाई नहीं पड़ रही थी, लेकिन बार बार मना कर रहे थे कि देखिए मेरा मुख्यमंत्री बनने का, क्योंकि मेरे पास ताकत नहीं है, मैं बहुत पीछे आ गया हूं इसलिए मैं मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता। तो प्रधानमंत्री जी ने शायद यही कहा होगा, जैसा कहा होगा मेरा अपना अनुमान है कि हमने चुनाव तो आपके चेहरे पर लड़ा है, तो उन्होंने कहा चेहरे से, चूंकि नीतीश ने कहा चेहरे से क्या होता, अब तो कोई नया चेहरा आ सकता, लेकिन फिर बात तो खत्म हो गई। लेकिन उस वक्त अरुण ने मुझसे कहा, अरुण जी ने मुझसे कहा कि देखिए बिहार में कोई विकल्प है नहीं, चाहे कोई भी पार्टी देख लीजिए किसी के पास ऐसा नेता नहीं, अभी नहीं है जिसकी सोच इतनी लंबी हो, इतने दिनों के बारे में आगे 15 साल बाद 20 साल बाद बिहार कहाँ जाएगा इसके बारे में किसी की सोच है नहीं, और आज बिहार को कैसे ठीक किया जा सकता है जिसके फल मिलने शुरू हैं तुरंत भी, दीर्घकालीन अल्पकालीन मध्यकालीन, तो उसमें नीतीश जी का ही है, तो कोई उनको हटा के चाहेगा नहीं। ये बताइए कि बार बार जो बदलाव करते हैं कभी बीजेपी के साथ कभी आरजेडी के साथ, तो आप लोग को कभी नहीं होता है कि भाई अचानक से ये कैसे हो जाता है, क्योंकि जनता तो ये जानना चाहती है ना। देखिए इसमें मेरा आकलन है, ये मुझे नीतीश ने कहा नहीं है, अरुण ने कभी कहा नहीं है, अगर मैं नीतीश जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो मैं शायद उम्मीद करता हूं सच्ची कह रहा हूं, तो उनका सोचने का तरीका बहुत तेज है, वो बहुत आगे की देर तक ही सोचते हैं और उसको क्रियान्वयन करने के लिए भी उनके पास बहुत सही स्कीमें होती हैं और वो चलते भी बहुत तेज हैं। तो अगर आप एक दल के साथ किसी लोगों के साथ अगर आप चल रहे हो और आपकी चाल से उनकी चाल ना मिल रही हो, वो पीछे छूट गए हों, तो किसी मोड़ पर आके आपको लगता है कि मैं क्या करूं। अब अगर कोई उस दौर में उस जमाने में उस जगह पे खड़ा इंसान है क्या करेगा, या तो पैर पटक के झुंझलाता रहेगा, गालियां देता रहेगा, जब वो आ जाएंगे उनके साथ आधा घंटा वो मगजमारी करेगा, फिर धीरे धीरे चलना शुरू हो करेगा, या उस मोड़ पर उसको जो मिले जो उसके साथ चलने को राजी हो उसके साथ चलेगा, आपकी समस्या क्या विकल्प उसके पास होना चाहिए। तो नीतीश जी ने कभी किसी को छोड़ा नहीं, आप याद रखिएगा नीतीश जी के पास कभी कोई विकल्प, जब उनको उस मोड़ पर पहुंच के लगा कि अब जो साथ चलने वाले काफी पीछे रह गए, साथ आने को राजी नहीं है अभी, तब उन्होंने जो जो मिला उसका हाथ पकड़ लिया।
और ये भी याद रखिएगा कि पिछले वाला सामने आ गया, तब तक दूसरे लोग आगे आ गए उसी की। देखिए ये समझिएगा, ये एक बहुत मजेदार कहानी मुझको लगती है। मैं जब नौकरी करता था तो पहली बार मैंने ट्रिक सीखी, हमारे एक पुराने खुर्राट थे इंजीनियर साहब, मेरे माथहत काम करते थे, तो एक मंत्री या कोई बड़ा अधिकारी आने वाला था हमारा मुआयना करने, हमारे काम का कोई 20-1 मील का रास्ता देखना था उनको। तो उस जमाने में उत्तर प्रदेश में मैं काम करता था, तो लोगों का एक नियम था कि जब मंत्री कहीं आए तो उनको माला पहना के उनका स्वागत किया जाए, और कोई हर पड़ाव पर ऐसा होता था। तो जो हमारे खंडूरी, उनका नाम खंडूरी साहब ने कहा सर आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब करा दूंगा। और उन्हें कुल दो या तीन सेट्स बनवाए चीजों के, और जैसे पहली बार उनको माला पहनाया और दूसरी जगह पहुंचते पहुंचते पहला माला वाला जाके तीसरी जगह खड़ा हो गया, और फिर वो दूसरा वाला, तो वो दो ही तीन माले में सारा उन्होंने 20 किलोमीटर में 25 लोगों से। ये बताइए आप तो, चूंकि आप इंजीनियर खुद हैं और नीतीश जी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि सिविल इंजीनियर है, लेकिन आपकी किताब से पता चला कि राजनीति में इंजीनियरिंग का कितना, मतलब पॉलिटिकल साइंस पढ़ के तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं राजनीति में, इंजीनियरिंग का कितना इस्तेमाल जरूरी है? आप गलत आदमी से सही सवाल पूछ रहे हैं। मैं इंजीनियर जरूर हूँ, राजनीति नहीं जानता मैं। आपके मित्र तो इंजीनियर हैं, राजनीतिक भी इंजीनियर कहाँ रहे, वो तो राजनेता हो गए। सोशल इंजीनियरिंग, वही हम कह रहे हैं कि मतलब सीधा सीधा राजनीतिक शास्त्र पढ़ के जिस तरीके की राजनीति हुआ करती थी उसमें नीतीश जी ने इंजीनियरिंग को ला के, हो सकता आने वाला समय कोई मेडिकल उसमें चीड़ पा रहा। मेडिकल इंजीनियरिंग सोशल। देखो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये मेरा अनुभव है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान आपको वो चीजें तो नहीं पढ़ाई जाती ज्यादातर जिसका आप जीवन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपकी सोच पक्की हो जाती है। अनेक विकल्पों में सबसे अच्छा, सबसे कम समय में लिया जाने वाला रास्ता क्या है, ये इंजीनियरिंग का हर विद्यार्थी सीख लेता है। 4-5 साल की पढ़ाई में उसकी आंखें इस तरह से खुल जाती हैं कि उसका डिसीजन मेकिंग बड़ा क्विक हो जाता और सटीक हो जाता। तो उस पढ़ाई का ये असर हो सकता कि नीतीश जी दूरगामी फैसले लेते हैं, जल्दी फैसले लेते हैं और उनको अमल पहले से तय कर लेते हैं, मतलब अगर बदलना भी है तो 4-6 महीने पहले से उनके मन में आ गई बात तभी वो करते हैं। और वो मैंने एक आपका आकलन होगा, मैंने ये देखा कि कोई पारिवारिक चीजों में भी वो फैसले लेने में जल्दीबाजी नहीं करते हैं, वो सारे उसके गुण दोष देख लेते हैं, संभावनाओं को देख लेते हैं। किसी बच्चे की पढ़ाई तक में मैंने देखा उनको ऐसा करते हुए, 2 महीने ठहर जाइए, देखते हैं उसका मन बदलता कि नहीं बदलता, या उसका वो लड़की, ऐसे करके मैंने उनको काम करते देखा। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। अच्छा आप ये बताइए, आप किताब के बारे में थोड़ी बात कर लेता फिर, ये आपको कौन सा ऐसा संदर्भ ऐसा लगता है जो इस किताब में होना बेहद जरूरी था और जनता इसके बारे में नहीं जानती, या जानती भी है तो नहीं कुछ अब मतलब सही चीजें नहीं जानती? वो उसको, इसके बारे में आपको सीधा कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी पीढ़ी के आगे बहुत सारे आदर्श थे, जयप्रकाश नारायण उनसे पहले, थोड़े पहले लोहिया जी, उनके आसपास ही करीब करीब जॉर्ज फर्नांडिस, माधुली मैं, कांग्रेस में भी 2-4 अच्छे लोग थे उस तरह के जो काम कर रहे थे। जो नई पीढ़ी है उसके आगे कोई आदर्श नहीं है, वो जो पुरानी पीढ़ी का मैं आपसे तजगिरा कर रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ, उनके बारे में बहुत साहित्य उपलब्ध था, उनकी जीवनी में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती थी। अब जो नई किताबें आती हैं उनमें व्यक्ति का सिर्फ एकांगी पहलू, राजनीतिक पहलू बताया जाता है, तो मेरे विचार नहीं होते, विचार नहीं होते। तो मैंने ये सोचा कि नीतीश जी ऐसे जैसे बने, तो किसी व्यक्ति के बनने में कई चीजों का हाथ होता है, उसका परिवेश, उसका परिवार, उसकी शिक्षा दीक्षा, उसके मित्र सहभागी, उसके जो उससे आगे जो काम करने वाले, उसके आदर्श पुरुष वगैरह, तो इन चीजों को जोड़ जोड़ के फिर एक व्यक्ति तैयार होता है। तो नीतीश जी के उस तैयारी के बारे में कहीं किसी ने कभी जिक्र किया नहीं था, और मैं उसका प्रत्यक्ष दर्शी रहा हूं। मैं अरुण कौशल और कई सारे लोग, तो हमने देखा है हम सारे लोग मुसीबत आने से कैसे पीछे भाग जाते हैं, कैसे हट जाते हैं, और नीतीश जी को देखा कैसे डट के खड़े रहते हैं। जो सबसे बड़ा अंतर हमको अपनी पीढ़ी के बाकी लोगों नीतीश जी में लगा कि वो पीछे हटने वाले लोग नहीं है कभी, और डट के मुकाबला करते हैं, और अपनी हार मानने में उनको कभी परेशानी नहीं होती। तो ये चीज जो उनमें थी, वो ताकत थी, कैसे देखिए बख्तियारपुर में हकीकतपुर की छोटी सी गली से वो आगे बढ़े,
और सिर्फ अपने दम पर, उनका कोई गॉडफादर नहीं था, अपने दम पर आगे बढ़ते बढ़ते इस मुकाम तक पहुंचे हैं। ऐसा कोई भी आदमी कर सकता, बस उसके पास ईमानदारी होनी चाहिए, नैतिक और बौद्धिक। अगर ये ईमानदारी व्यक्ति के पास है, उसकी एक सोच है, उसकी एक मंजिल उसके दिमाग में है, तो वो पहुंच सकता। यही एहसास लोग बताते हैं, जनता। नीतीश जी जब 2005 में आए थे तो बहुत सारी उम्मीदें थी और बहुत सारी उम्मीदें पूरी भी हुई, खासतौर पर 2005 से 2010 के बीच का उनका कार्यकाल आज भी लोग मानता है कि स्वर्णिम काल रहा था बिहार के लिए, पुनर्निर्माण का काल रहा था। लेकिन 2010 के बाद राजनीति को ज्यादा हावी हो गई, जैसा कि परसेप्शन लोगों का है। 2013 में टूटा, फिर इधर जाना, फिर उधर जाना, तो उसमें कहीं ना कहीं बिहार की जो विकास की जो बात थी वो धीमी, उसकी रफ्तार धीमी हो गई। आपको क्या लगता है? देखिए, फिर आपका सवाल जो है राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो मैं ज्यादा जानता नहीं हूं, लेकिन जहां तक आपको लगता हो ना, तो शुरुआत में जो जिस तरीके की थी, जहां तक आंकड़ों का सवाल है, तो बिहार की प्रगति की रफ्तार तो हमेशा एक जैसी रही, काफी अच्छी रही है, राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर, वो मैं पढ़ता हूं, जानता हूं, तो उसमें तो कहीं कोई कमी आई नहीं है, चाहे नीतीश जी इधर रहें या उधर रहें। और याद रखिएगा, मुझको ऐसा लगता है कि वो हर दल की मजबूरी रहे, बिल्कुल काम नहीं हो सकता, इधर रहे उधर जीत, जिन्होंने अपने पास पकड़ के ले लिया वही जीते। और मैंने आज जैसे अभी आपको रास्ते के बारे में बताया, जो पड़ाव पर आगे मिल गया वो चला गया। तो ये मैं, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि उस समय, देखिए ऐसे समझिएगा, इसको हम लोग डिसेलरेशन एक प्रोसेस इंजीनियरिंग में मानी जाती है। वो क्या कहते हैं कि जरा बिल्कुल गड्ढे में पड़े हैं, बिल्कुल गड्ढे में, कहीं गर्त में घुसे हुए हैं, तो अगर आपको थोड़ी रोशनी भी दिख गई तो आपकी आंखों में आशा की किरणें चौंधने लगती हैं। जब आप ऊपर आ जाते हैं तो आपको वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है, ये तो मेरा हक है, अधिकार है। अब आप ऐसे देखिए, मैं जैसे देखता हूं कि एक पीढ़ी जो 2005 में जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, वो कैसी पीढ़ी थी? 10 साल 15 साल के जो बच्चे रहे होंगे उस वक्त, उनको साइकिलें मिली, पोशाकें मिली, और ये हुआ वो हुआ, तो उनके लिए नियामत थी। लेकिन 5 साल में जो वो 20 साल के हो गए, और जो 10 साल 15 साल का बच्चा, उसको साइकिल मिलना शुरू हुई, तो उसने अपने घर में साइकिलें आते देखी थी, तो उसको ये उसका हक लगने लगा, मेरा अधिकार है, वो आगे की मांग करने लगा। इसी तरह से बिजली के बारे में देखिए, मुझे अपने बचपन की याद है, सड़कों की हालत देखिए, किसी भी चीज की हालत देखिए जिसको आप प्रगति कहते हैं, किसी भी प्रगति को अगर आप देखेंगे, तो जो एक 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 व्यक्ति के लिए आवश्यकता थी, एक व्यक्ति के लिए जो विलासिता थी, वो लोगों ने उसको मान लिया, तो मेरा है ही, ये तो मेरा हक है, मेरा अधिकार है, तो वहां से गड़बड़ शुरू होती है। जब आप एक लेवल पर पहुंच जाते हैं तो आपकी आकांक्षाएं तो कमती नहीं है, आप और बढ़ती जाती है, और उसके उस आकांक्षा के लिए, को पाने के लिए जो आपके पास संसाधन होने चाहिए, संसाधन दोनों तरह के, आर्थिक भी और मानव भी, आपके पास बिहार राज्य की एक बहुत बड़ी कमी मैं देखता हूं, और शायद ये देश में, पूरे देश में ऐसा कहा जा सकता है, कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग पर बहुत कमजोर है। इसके लिए ताकत कोई है नहीं, कोई बड़ी फोर्स नहीं है कि किसी व्यक्ति को जिस काम में लगाया जाए उसके लिए पहले उसको एक बढ़िया सी ट्रेनिंग दे दी जाए। मैंने अभी देखा, मुझको कई लोग मिले जो वाइस चांसलर के पद पे काम कर रहे हैं, हम लोग BSGMA में इंट्रोड्यूस कर रहे थे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, तो मैंने सारे कई कई कुलपतियों को उससे पूछा, तो उनको कुलपति बनाने से पहले वो किसी कॉलेज में प्राध्यापक या प्रिंसिपल या कुछ रहे होंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी। आप देखें, किसी लेक्चरर को आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रोफेसर, प्रोफेसर को हेड बना देंगे, तो हेड बनने के बाद उसको एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ज्ञान नहीं है। एक बहुत पुराना है पीटर्स प्रिंसिपल, आपने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा मैनेजमेंट, उसमें कहते हैं कि ए मैन राइजेस टू हिज लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस, व्यक्ति की तरक्की तब तक होती रहती है वहां पहुंच के वो इनकॉम्पिटेंट हो जाता है। चलिए, वो तो ठीक है, हम काफी लंबी बातचीत हो गई और इंटरेस्टिंग बात हो रही है, नतीजा तो निकला ही नहीं, एक समय का भी अभाव होता है। दूसरा, हम ये कह रहे थे कि एक बार और नीतीश जी का आकलन आप अपनी नजर से, आपने किताब में तो किया ही है, चैनल पर भी किस तरह से आकलन, क्या आकलन, क्या किस प्रकार देखते हैं? न भूतो न भविष्यति, वैसा मेरी जिंदगी में कोई व्यक्ति पहले आया नहीं, और अभी तो आखिरी वक्त है कि आखिर मुसलमान होंगे, अब कौन व्यक्ति आने वाला है। लेकिन नीतीश जी को देखिए, एक हमने पढ़ा है बचपन में, बताया जाता रहा था, प्रॉक्सिमिटी ब्रिंग्स कंटेम्प्ट, आप किसी करीब से देखने लगते हैं तो आपको कई उसकी गलतियां दिखाई पड़ने लगती हैं। लेकिन नीतीश अकेले व्यक्ति मेरे जीवन में है इसमें प्रॉक्सिमिटी ब्रॉड रेस्पेक्ट, जितना मैं उनको नजदीक से देखता जाता हूं उतना उनके प्रति सम्मान बढ़ता जाता है मेरा। आपको लगता है उन्होंने कोई गलती नहीं की?
देखिए फिर भी आपसे कहता हूं, मेरे मित्र की हैसियत से उन्होंने कोई गलती नहीं की। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत पुराने पत्रकार थे बिहार में, जुगनू शादे, आज गुजर गए नहीं है, उनको टीबी हो गई और कैंसर हो गया शायद, और उन्होंने कई कई लोगों से कहा हुआ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं वगैरह वगैरह। तो वो जब उनको बॉम्बे भेजा गया और नीतीश ने बिना उनको बताए चुपके से उनका पूरी राज्य की व्यवस्था कराई और ठीक हो गए वो। लौट के जब आए तो उन्होंने बहुत सूंघा यहाँ वहाँ कि किसने कहा क्या क्या करा है, कहीं से उन्हें हनक लगी तो उन्होंने मुझसे कहा यार बड़ा यारबाश आदमी है, कुछ भी कहो, मैंने इतनी गालियां उसको दी लेकिन उसने मेरी जान बचा दी। तो ये जो ताकत है ना किसी भी जानने वाले के लिए सब कुछ आगे करके, वो मैंने कहीं नहीं देखी। दो चीजें मैंने और देखी, जब बिहार में एक बार भूकंप आया था 2015 में, वो रात मैं भूलता नहीं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे या कोई एक व्यक्ति की हैसियत से सारी रात, चाहे वो इको पार्क हो, चाहे वो गांधी मैदान हो, चाहे कहीं और खाना पानी रहने की व्यवस्था, सारी चीज दौड़ दौड़ के उस आदमी ने किया है। और दूसरी बात मैं भूलता हूँ, जब पटना में बाढ़ आई थी मेरे ख्याल से 2019 की बात है, उस वक्त मैंने देखा है टखनों भर पानी में, वो गंदे पानी में नाले में घूम घूम के रेंदे रेंगे काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री की हैसियत से क्या किया मुझे मालूम है, लेकिन एक आदमी की हैसियत से, एक इंसान की हैसियत से, जो करने में मैं डरता था वो उन्होंने करके दिखाया। तो इस वजह से जैसे मैंने आपसे कहा, प्रॉक्सिमिटी ब्रिंग्स रिस्पेक्ट फॉर हिम फॉर मी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बिहार तक पर आने के लिए। और दूसरी बात यह है कि अंतरंग दोस्तों की जो बात थी, उदय कांत मिश्रा जी ने अपनी बात बताई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस प्रकार के व्यक्ति हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कोई बात नहीं, मेरे लिए तो मुख्यमंत्री आपके दोस्त है, वो मेरे बॉस हैं, उसके बारे में बोलने की मेरी कोई हिम्मत ही नहीं, ताकत ही नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।